तो जब भी फाइंड द डिफरेंस लिखा होगा तो हम इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे? डिफरेंस मीन्स होता है माइनस करना। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? माइनस करना, माइनस करना या सब्ट्रैक्ट करना। पूछ सकते हो बीच में जो भी पूछना हो, ठीक है? ठीक है। घटाना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब इसका मतलब होता है। लेस देन मतलब ये होता है। अब हमने जब ये अगर सवाल ऐसे होता है 3 - 1 तो 3 में से 1 गया, बस आप आंसर 2 लिख देते। लेकिन हमने देखा इसके अपॉन में कुछ लिखा है, ठीक है? अपॉन में कुछ लिखा है और जो लिखा है तो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। तो जब हमारे पास जो नंबर होता है और यहाँ माइनस लिखा है लेकिन दोनों सेम है, तब क्या होगा? जब दोनों सेम होते हैं तो याली लाइन तो और याली लाइन जोड़ के बड़ी लाइन खींच ली और ये दो नंबर थे, एक बार लिख लिया, ठीक। और ऊपर जो लिखा है सेम वही उतार दो। 3 लिखा है, फिर माइनस लिखा है, फिर 1 लिखा है, ठीक है? ऐसे उतार दिया, 2 लिख दिया। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। और नीचे क्या था? 8 लिख दिया, ठीक है? अब हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में। अगर ये आंसर तो वैसे यही हो जाता लेकिन अगर कट रहा है, दोनों इवन है तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। दोनों सेम नंबर के टेबल में आना चाहिए। तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में, ठीक है? तो 1/4 आंसर हो गया। इसी तरह जो सवाल अगला है, फिर से देखो, अगला सवाल है हमारा कि 7/11 - 2/11। अगर ये ऐसे लिखा होता 7 - 2 तो हमारा क्या आंसर आ जाता? 5। 7 में से 2 गया 5। लेकिन यहाँ पे अपॉन में 11 लिखा है, यहाँ अपॉन में 11 लिखा और बीच में खाली जगह है ना। अच्छा, इसको भी फ़र्क समझो। जैसे 7/11 लिखा है और ये पूरी लाइन खींची है और -2 लिखा और यहाँ पूरी लाइन खींची है, यहाँ पे मान लो 11 ही लिखा है या 10 लिखा है, सपोज कर लो, ठीक है? तो इस केस में क्या होता है भाई, 7 में से 2 गया 5 बचा और 11 में से 10 गया 1 बचा। इस केस में ऐसा हो जाता है, माइनस कर देते हैं सामने, क्योंकि ये पूरी लाइन है। लेकिन जब ऐसा होता है कि पूरी लाइन नहीं होती है, हाफ लाइन है, तब क्या होगा कि जो जो हमारे इसके जो लाइन के नीचे जो जो लिखे हैं नंबर, अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो इस लाइन को जोड़ के हम बड़ी लाइन बनाते हैं, ठीक है? और इनको एक बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते हैं, एक बार। एक बार लिखने के बाद नीचे वाले नंबर को छुपा लेते हैं, फिर जो ऊपर दिख रहा है वही उतार लो। 7 - 2 लिखा है तो 7 - 2 लिख लो, 7 + 2 लिखा है तो 7 + 2 लिख लो। अच्छा, ये जो काम जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ प्लस और माइनस लगाओगे तभी करेंगे। अगर मल्टीप्लाई लगा होता है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, या तो कट कर देते हैं, हिलाओ नहीं। तो 7 में से 2 गया, ऐसे ही उतार लेंगे पहले, ठीक है? 7 - 2 लिखा, 7 - 2 उतार लिया, लेकिन लाइन हमने पूरी कर ली। इस बिना पे पूरी कर ली कि जब हमारे पास दो सेम नंबर होते हैं तो एक लाइन पूरी कर लेते हैं, एक बार उतार ले। 7 - 2 गया, 5 बचा / 11। अब ये दोनों किसी कोई ऐसा टेबल नहीं जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। 5 के टेबल में 5 ही आता है लेकिन 11 नहीं आता, 11 के टेबल में 11 आता, 5 नहीं आता, तो यही आंसर हो गया। क्लियर है? इसी तरह ये सारे सवाल आप लोग को करने हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है? जैसे 9/17 है, -5/17 है, इसको करना है। 9/13 -6/13 ऐसे ही होगा सेम। 5/23 2/23 ऐसे ही होगा। 11/18 -3/18 सबका कॉन्सेप्ट यही होगा कि पहले हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को खींचेंगे, बड़ी लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, एक बार उतारेंगे नीचे वाला नंबर, जो ऊपर लिखा है माइनस लिखा तो माइनस करेंगे, प्लस लिखा तो प्लस कर लेंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन अब फ़र्क देखो इन सवालों में क्या है, इन सवालों में ऊपर वाले सवालों में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे नीचे वाले नंबर, यहाँ दोनों में नीचे वाले नंबर सेम है, नीचे वाले नंबर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है। हर सवाल के नीचे वाले नंबर अलग अलग हैं। अब इन सवालों में क्या करेंगे, इन सवालों का मतलब देखो। जैसे 4/5 -6/10 क्या है? 4/5 -6/10 भाई सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का मतलब यही है। तो जब भी इस तरह का सवाल होता है तो हम ये बड़ी लाइन खींच के ये नहीं करते हैं कि वो नंबर उठा लीजिए। जैसे उसमें क्या करा, 8 था तो बड़ी लाइन खींची, एक बार 8 उतार लिया, लेकिन यहाँ पे तो नंबर अलग अलग हैं। अब क्या करें, जब इस सिचुएशन होती है ऐसी तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर है इनका एलसीएम लेते हैं, यूँ करके 5 × 5, 5 × 10 और 2 के टेबल में 1 से कोई मतलब नहीं, 2 × 2, ठीक है? नीचे 1 आ गया, 5 × 2, 5 × 2 = 10। तो जो एलसीएम आता है ये नंबर, ये लाइन को जोड़ के हम एलसीएम लिखते हैं। अब 5 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 10 आ जाए, 5 का टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो 2 यहाँ लिखा, 5 × 10 है ना, और जो इसके ऊपर है 5 के ऊपर उससे मल्टीप्लाई किया, ठीक। माइनस 10 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 10 आ जाए, 10 × 1 = 10 है ना, 10 × 1 = 10 जितनी बार में 10 आया वो यहाँ लिखा, इसके ऊपर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? अब 2 इस फोकस यहाँ रखो, 2 × 4 = 8 लिख दिया, माइनस लगाया, 1/6 = 6/10 8 में से 6 गया बच्चा 2/10। अब 2 के टेबल में 2, ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आता है ना, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है। तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में, 2 × 2 2 × 10 5 × 2 5 × 10
ये हो गया हमारा 1/5। तो यही अब ये कट नहीं सकता किसी के टेबल में, वन से टेबल से कभी काटते नहीं है, वन वन द वन, वन फाइव द फाइव, वही आ जाएगा। ठीक है, टू से या थ्री से या फोर से ऐसे ही बड़े नंबर से काटते हैं। क्लियर है? इसी तरह ये सारे सवाल आप लोगों को करने हैं। ठीक है, ये सारे सवाल करने हैं। सबका एलसीएम ज़्यादातर जो बड़ा नंबर होगा वही आ जाएगा, क्योंकि इसके देखो फाइव के टेबल में टेन आता है तो टेन ही एलसीएम हो जाएगा, थ्री के टेबल में नाइन आता है तो नाइन ही एलसीएम हो जाएगा, यहाँ भी थ्री के टेबल में नाइन आता है तो नाइन ही एलसीएम हो जाएगा, सिक्स के टेबल में ट्वेल्व आता है तो सिक्स ट्वेल्व ही एलसीएम, जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एट के टेबल में नाइन नहीं आता, नाइन के टेबल में एट नहीं आता। अब इस तरह के सवाल में वैसे एलसीएम निकालने का तरीका ये भी होता है जो हमने बताया ऐसे करके, वरना जब इस तरह के सवाल हो थ्री बाई एट और माइनस वन बाई नाइन, अब ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तब क्या करेंगे, थ्री बाई एट है माइनस वन बाई नाइन है, जब इस तरह का मामला होगा तो इस तरह का मामला, वैसे तो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का मल्टीपली ही आ जाएगा, एट नाइन द 72। ठीक है, एट नाइन द 72 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एट के टेबल में 72 कितनी बार में आता है, एट के टेबल में 72 नाइन बार में आता है। ठीक है, तो जितनी बार में ना आता है वो यहाँ लिखते हैं, उसके ऊपर जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, फिर ये जो माइनस लगा है वो लगाया, अब इधर को भूल दो, इधर फोकस करो, अब यहाँ पे नाइन है, नाइन के टेबल में 72 कितनी बार में आता है, एट बार में, नाइन एट से 72, नाइन के ऊपर क्या है, वन, वन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हर सवाल में ये लॉजिक लगेगी, नाइन थ्री द 27 माइनस एट वन द एट अपॉन 72, अब 27 में से 8 गया 19 बचा। ठीक है, 19 अपॉन 72। ठीक है, किसी से कटेगा नहीं, किसी के टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते, 19 फोर द 76 होता है, 19 थ्री द 57 होता है, 19 के टेबल में भी नहीं आता, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह अब ये अगर हम देखें 3/3 और 3/10, तो ये दोनों सेम तो है नहीं, 7 और 10, ना ही 7 के टेबल में 10 आता है, ना ही 10 के टेबल में 77 आता है, तो हम इन दोनों को देखिए, अगर कभी डाउट है कि हम किस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें किस में ना करें, तो बस याद रखिएगा कि सबका एलसीएम ऐसे ही निकालेगा जैसे हमने निकाल के बताया इस तरह से। अब ये सवाल देख लो कैसे होगा, जैसे हमारे पास है 3/7 माइनस 3/10 है ना, तो कुछ ना करो, जो भी नंबर हो हमेशा नीचे आएगा एलसीएम ले लो, तो 10 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालना भी आना चाहिए भाई, 2 के टेबल में 10 आता है लेकिन 7 नहीं आता, कोई बात नहीं, 2/5 का 10, 7 नहीं आता 7 उतार दिया, लेकिन अब 5 के टेबल में 5 आता है, 5 के टेबल में 7 नहीं आता उतार दिया, कोई बात नहीं, 3 के टेबल में कहाँ आएगा 7, 7 वन द 7, 7 टेबल 7, अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 इंटू 5 इंटू 7, 2/5 द 10, 10 7 द 70, देखो ये आ गया, आप ऐसे भी कर सकते 7 10 द 70। ठीक है, वरना ऐसे ही कर सकते हैं, हाँ जीरो होगा नहीं कभी नीचे, वरना इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, खाली जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या है 70, तो हम क्या करेंगे बड़ी सी लाइन खींचेंगे, जो एलसीएम आता है वो लिखते हैं, 7 के टेबल में 70 आता है 10 बार में, 7 10 द 70, इसके ऊपर जो 3 है 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 10 के टेबल में 70 कितनी बार में आता है, 10 7 द 70, 7 लिखा 7, इसके ऊपर जो 3 है उससे मल्टीप्लाई, 10 3 द 30 माइनस 7 3 द 21 अपॉन 10, अब 30 में से 21 गया 9 बचा, 9 अपॉन 70। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हों, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के सवाल ऐसे ही होंगे। रही बात इसकी, इसमें आप इस पहले जाली लाइन खींचेंगे, ये नीचे उतार लेंगे, एक बता दे रहे हैं इसका, जैसे ये वाला सवाल कैसे होगा, जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ मामला है ना, इस तरह के सवाल देखिए कैसे होते हैं, इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन ना, सब्ट्रैक्ट करना माइनस लगाएं, याली लाइन खींच लेंगे और इसके नीचे जो लिखा वो उतार लिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई इससे ऐड, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले नंबर से ऐड करते हैं ना, इसका मामला ख़त्म, अब आगे फोकस करो, ये बचा ना, फिर माइनस लगाया, फिर ये याली लाइन हमने यहाँ पर खींची, जो नीचे लिखा था वो उतार लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 2, वो जो ऊपर होता है उससे प्लस करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा 4 × 3 = 12, 12 + 3 = 15, 15 अपॉन 4 माइनस 4 × 2 = 8, 8 + 1 = 9, 9 अपॉन 4। अब हमने देखा ये सवाल पहले वाले सवाल कितना बन गया, इनकी तरह डिनोमीटर सेम आ गया ना, देखो इनके भी डिनोमीटर सेम, डिनोमीटर सेम होता है तो क्या करते हैं, ये दोनों लाइन बड़ी करके खींच लेते हैं और इन दोनों नंबर को एक बार उतार लेते हैं, बाकी जो ऊपर लिखा है सेम चुपचाप वही उतार लेते हैं, कोई चक्कर नहीं एलसीएम लेने का ना कुछ, क्योंकि इनका एलसीएम ही 4 आता है। ठीक है, 15 में से 9 गया 6 बचा, 9 से 15 है ना 1 4। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 3 4 भी आता है, लेकिन 3 के टेबल में 6 आता 4 नहीं आता, तो 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, हमारा आंसर आ गया 3/2। अब ये कोई ऐसा नंबर नहीं जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो, 3 के टेबल में 2 आता, 2 के टेबल 3 के टेबल में 3 आता, 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 आता लेकिन 3 नहीं आता, इसलिए 2 और 3 से तो काटेंगे नहीं, किसी नंबर से नहीं कटेंगे, 1 से काटते नहीं है। ठीक है,